सबसे ज्यादा कड़ी टिप्पणी अगर किसी ने की है वो सैम पित्रोदा ने की है। उन्होंने ये कहा कि पूरा देश राम मंदिर और जन्मभूमि में उलझा हुआ है, धर्म तो निजी मामला है, इसे राष्ट्रीयता से क्यों जोड़ रहे हैं, ये राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, राम मंदिर असली मुद्दा या बेरोजगारी? देखिए 0.1% लोगों के बीच शायद उनकी उपस्थिति होगी, वह देश की राम भक्ति को नहीं जानते और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए काम को भी नहीं जानते। उनको इसका कैसे हिसाब लगेगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 52 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलते हैं और 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक अलग अलग योजनाओं का पैसा लोगों को भेजते हैं, पूरा 30 लाख करोड़ रुपया पहुँचता है। कांग्रेस होती तो 4.5 लाख करोड़ पहुँचता और 25.5 लाख करोड़ ये घोटाला कर जाते पित्रोदा जी जैसे लोग, और उनको यह दिखेगा ही नहीं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि इससे आधुनिक भारत का निर्माण नहीं होगा, केवल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से, दिया जलाने से, राम का नाम करने से आधुनिक भारत नहीं बनेगा। उनको कहिए कि जरा काशी या अयोध्या, प्रयाग या मथुरा, वृंदावन या देश के जो तीर्थ स्थल है, जरा वहाँ आने वालों की संख्या का जरा एक बार आकलन कर लें। धार्मिक पर्यटन इतना बढ़ा है कि मैं अभी काशी का हिसाब देख रहा था, 2 वर्ष में 13 करोड़ लोग जब से बाबा विश्वनाथ जी का धाम बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है, 13 करोड़ लोग आए हैं। ये धार्मिक पर्यटन से जो लाखों लाख रोजगार रोज मिल रहा है, अयोध्या में प्रतिदिन 2 से 3 लाख लोग आ रहे हैं, तब आ रहे हैं जब रामलला भी अपने जन्मस्थान पर विराजमान नहीं है। उनको मैंने कहा कि उनको लाइलाज रोग है, कैसे कमी खोजें, भगवान राम को कैसे काल्पनिक बताएं, कैसे मंदिर को तोड़ करके अगर कोई ढांचा खड़ा किया गया तो ढांचा कैसे खड़ा रहे, कैसे गुजरात में भगवान सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया था, उस समय सरदार पटेल जी थे, देश के गृह मंत्री थे, और उन्होंने आगे बढ़ करके वह कलंक को धो डाला, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के कारण अयोध्या मथुरा काशी की समस्या बनी रह गई, इस पर वो चुप क्यों रहते हैं? जब करोड़ों लोग आते हैं तो इससे रोजगार नहीं होगा, पित्रोदा जी को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये कांग्रेस की सोच कांग्रेस के खात्मे का कारण बन रही है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी की यात्रा लेकर के, विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर के गांव-गांव में जा रही है, उनको पता ही नहीं है 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, हर घर नल से जल जा रहा है, कोई गरीब आदमी बीमार है तो उसके दवा की सुविधा हो रही है, गांव-गांव की पक्की सड़कें बन रही हैं, जिनके घर में बिजली नहीं पहुंची थी सौभाग्य योजना से बिजली पहुंच रही है, 12 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को गैस का उज्ज्वला योजना में कनेक्शन दिया जा चुका है। ये सब कांग्रेसियों को कैसे पता चलेगा? उनको तो लूटो और अपनी तिजोरी भरो, और छापे पड़े तो छापे क्यों डाल रहे हो? एक गारंटी मोदी जी ने दी और एक गारंटी विश्व हिंदू परिषद की भी थी कि मंदिर तो बना के रहेंगे, और विश्व हिंदू परिषद से तो आपका भी जुड़ाव रहा है, अयोध्या तो आपकी कर्म भूमि भी रही है, तो जरा मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ, थोड़ा 80 के दशक में 90 के दशक में ले जाना चाहती हूँ। उस वक्त अयोध्या का माहौल और राम मंदिर को लेकर लोगों के भाव क्या थे, वो संघर्ष कैसा था? देखिए एक समय ऐसा कांग्रेस ने देश के अंदर माहौल बना दिया था, मतलब हिंदू माने मतलब यह समझते थे कि एक्सीडेंटल हिंदू हो गए, नेहरू जी कहते भी थे, और अयोध्या की हो चाहे काशी की हो चाहे मथुरा की हो चाहे जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनकी उपेक्षा, या उनका सरकार में रहने के कारण से, कांग्रेसी होने के कारण से सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। मैं अयोध्या में 1986 से जब भगवान राम ताले के अंदर बंद थे और राम भक्त आते थे उनको बाहर से ही दर्शन करके चले जाते थे, और यह दृश्य देख करके, अब हमारे बीच में नहीं है पूज्य अशोक सिंघल जी जैसे और तमाम परमहंस रामचंद्र दास जी जैसे तमाम हमारे पूज्य संत, उसकी लड़ाई शुरू की है, और उस लड़ाई का परिणाम ये निकला कि 1 फरवरी 1986 को कांग्रेस की देश में भी थी, प्रदेश में भी सरकार थी, ताला खोलना पड़ा, शिलान्यास के लिए गांव-गांव में शिला पूजन हुआ, 125 रुपया लोगों ने अपना योगदान दिया, और 6 दिसंबर 1992 को वह कलंकित ढांचा हट गया, और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भव्य मंदिर बन रहा है। तो कांग्रेस की सोच ऐसी है जिसके सोच में मतलब सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं।